मैं तो यही कहना चाह रही हूँ, जैसे सारे देश में एक बहुत ही आक्रोश है इस चीज को लेके, जो देखा गया है कि महिला पे अलेजेड जो एडल्ट्री का जो भी उन्होंने लगाया है आरोप, और अपने आप से जो शारिया लॉ जो है वहां पर अप्लाई कर दिया है, तो मैं जो इंडी गठबंधन की साथी है टीएमसी भी, ममता दीदी भी, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो संविधान लेकर यहाँ पर रोज के रोज जो है ये लोग जितना भी ड्रामा कर रहे हैं, तो क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि अपनी मर्जी से जो है किसी भी स्टेट में आप शारिया लॉ लगा सकते हैं? उनके जो विधायक हैं वो कहते हैं कि हम एक मुस्लिम स्टेट हैं, तो क्या अपनी मर्जी से आप धर्म के आधार पर किसी भी स्टेट को जो है मुस्लिम निर्धारित कर सकते हैं, वहां पे शारिया लॉ लगा सकते हैं? तो राहुल गांधी जी को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि टीएमसी भी जो है वो इंडी का ही एक हिस्सा है, तो उनके जो इंडी गठबंधन वाले हैं, दे आर आंसरेबल टू दिस नेचुरली। तो ये जो आज संविधान लेके जो आप देख रहे हैं, जो कितने दिनों से ये क्या कर रहे हैं, तो क्या इनको संविधान का मान है क्या? आप ये खुद ही सोचिए। एक का तो वीडियो दिखाई पड़ा है आपको, शरीर का कोई भी अंग नहीं, चौराहे पर लाकर मारो, एक महिला को लिटा लिटा कर मारो, प्रत्येक अंगों पर एक विभत्स प्रहार करो, और उसके साथ में उसके पति को मारो क्योंकि उसने टीएमसी को समर्थन नहीं किया। कितने घरों को फूंक दिया है, कितने घरों को बेघर कर दिया है, कितने घरों पर कब्जे कर लिए हैं, कितने लोगों के दुकानों को लूट लिया है, कितने लोगों को, हजारों लोगों को फर्जी मुकदमों में लिखा दिया है। राज्यपाल ऐसे संवैधानिक पद के व्यक्ति को भी अपने बचाव के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है, एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है। आज ये जो हिंसा का तांडव है वो राजतंत्रीय व्यवस्था के द्वारा प्रायोजित तांडव है, और इसका नेतृत्वकर्ता के रूप में ममता बनर्जी हैं। वो इस देश में इस देशवासियों को कुचल देना चाहती हैं, वो अलग प्रकार की विदेशी शक्तियों के आधार पर वो शासन तंत्र को चलाना चाहती है। टीएमसी के लीडर से जब भी पूछा जा रहा है कोई इस पर कोई जवाब देने को, जवाब जब वो काम करा रहे हैं, जब वो अत्याचार करा रहे हैं, यहाँ महिला सशक्तिकरण की बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वहाँ वो महिलाओं को सड़क पे लिटा लिटा कर मार रहे हैं, कितनी महिलाओं के साथ में अनाचार हुआ है, कितने घरों को फूंका है इन्होंने, इसका जवाब कौन देगा? ये ममता बनर्जी टीएमसी के नेता के रूप में उनके द्वारा प्रायोजित हिंसा, सरकार के द्वारा ये तांडो हो, मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी प्रदेश में नहीं है। टीएमसी का मतलब बन चुका है तालिबानी मानसिकता और कल्चर, और ये जो वीडियो सामने निकल कर आया है जिसमें कि तालिबानी तरीके से एक महिला और एक मर्द को पीटा जा रहा है सरेआम दिन दहाड़े बंगाल में, वो भी पुलिस स्टेशन के पास, ये दिखाता है कि आज वहां पर मां माटी मानुष नहीं बल्कि तालिबान राज आ चुका है। पर दुख की बात यह है कि ये वीडियो के सामने आने के बाद इसमें जो मुख्य अपराधी है, बताया जाता है कि वहां के स्थानीय विधायक हमीदुर रहमान का बहुत करीबी भी है, और वहां के स्थानीय टीएमसी के विधायक इस पूरी घटनाक्रम पर कार्रवाई कराने के बदले उसका बचाव कर रहे हैं। उन्होंने महिला को ही एक प्रकार से शेमिंग और विक्टिम शेमिंग किया है, कहा है कि ये महिला का चरित्र दुष्ट था। वो कहते हैं कि ये मुस्लिम राष्ट्र में इस प्रकार की चीजें होना ये लाजमी है। क्या पश्चिम बंगाल मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है? क्या पश्चिम बंगाल अफगानिस्तान बन चुका है?